नमस्कार। जब भी आप किसी को चेक दें, उस पर पर्पस लिख कर दें कि ये चेक आपने क्यों जारी किया है। जैसे मान लो आपने किसी बिल के भुगतान के लिए दिया है, तो उस पर लिखिए बिल का भुगतान करने के लिए चेक दिया है। यदि आप लोन के रीपेमेंट में दे रहे हैं, तो उस पर लिख कर दीजिए कि मैंने लोन का रीपेमेंट करने के लिए चेक इशू किया है, ताकि आपके चेक का मिसयूज़ नहीं हो। कभी भी चेक पर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश नहीं करें, जैसे किसी और से दस्तखत करवा देना, अपने दस्तखतों को घुमा फिरा के कर देना, उसके बाद ये कहना कि ये चेक मैंने दिया ही नहीं था। देखिए, जो कानून है ना, वो हरदम वाद करने वाले का पक्ष लेता है ऐसे मामलों में, और ये मान के चला जाता है कि जिसने सूट फाइल किया है वो सही है, और 99% जवाबदारी चेक जारी करने वाले की ही हो जाती है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मैंने जो यदि चेक बाउंस हुआ मेरा, तो मेरी वजह से नहीं हुआ, सामने वाले की वजह से हुआ है, पर ऐसा प्रमाणित होना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि मान लो ये प्रमाणित हो गया, फॉरेंसिक जांच करवाई गई, आपके दस्तखत गलत पाए गए, आप कहते हो कि भाई मैंने ये चेक दिया ही नहीं था, चोरी हो गया, तो भाई चोरी हो गया तो आपका चेक था, आपने FIR दर्ज करवाई क्या? और यदि आपने घुमा फिरा के दस्तखत किए हैं, फॉरेंसिक जाँच में ये सिद्ध हो जाता है कि ये दस्तखत आपने किए हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि आपके खिलाफ यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो आपके खिलाफ किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं होती है। आपराधिक मुकदमा चलता जरूर है, मगर FIR दर्ज नहीं होती है। ये बात आप गांठ बांध के इसको अच्छी तरह समझ लें। मगर यदि आपने किसी तरह की कोई हेराफेरी की है, तो आपके खिलाफ थाने में FIR दर्ज हो जाएगी, और FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है, आप थाने और कोर्ट के बीच में चक्कर लगाते रहेंगे, वकीलों से मिलते रहेंगे, अपने आप को बचाने में लगे रहेंगे, आपका समय भी जाएगा, या यूं कहूँ माल भी जाएगा और मार्जना भी जाएगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें जिसके अंदर आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाए। इसलिए चेक देते वक्त किसी तरह की कोई होशियारी नहीं करें, गलत दस्तखत नहीं करें, ऐसे आरोप आपकी रक्षा नहीं करेंगे कि मेरा चेक चोरी हो गया था, या मैंने ये चेक दिया ही नहीं था, ये दस्तखत मेरे है ही नहीं। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि आप एक पर्पस लिख कर दें। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आप किसी तरह की कोई हेराफेरी करने की कोशिश नहीं करें, और सीधा सीधा बनकर चेक दें, और यदि आपसे चेक रिटर्न हो गया किसी कारण से, तो आप तत्काल एग्रीमेंट कर समझौता कर लें, और उस केस को निपटा दें, कोर्ट में जाने की नौबत ना आए। एक बात और, बाय द वे आपके पास आपने किसी को चेक दिया है और 10 लाख रुपये का चेक दिया है, और 10 लाख रुपये उस दिन वो मांगता था इसलिए दिया है, मगर इस बीच आपने उसको 5 लाख रुपये और दे दिए, और 10 लाख का चेक आपने उससे लिया नहीं, और सामने वाला 10 लाख का चेक बैंक में लगा देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपने 10 लाख रुपये मांगता ही नहीं था, तो उसने 10 लाख रुपये का चेक लगाया कैसे, ये आसानी से प्रमाणित हो जाता है। मगर अब मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, कहीं भी मान लो किसी एक्स के पास में आपका वो चेक है 10 लाख रुपये का, और आपने उसको 5 लाख रुपये दे दिए, तो वो एक काम कर सकता है, उस चेक पे लिख के दे सकता है, दिस चेक इज बीइंग प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ ₹5 लाख ओनली। उस हालत में यदि आपका चेक बाउंस हो गया है, या उस हालत में किसी का चेक बाउंस होता है, तो वो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जद में आ जाएगा, और मुकदमा चलेगा, जमानती वारंट हो सकता है, उसमें आपको जमानत लेनी पड़ सकती है, जमानती ढूंढना पड़ सकता है, और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करें। एक बात और बतलाना चाहूँगा आपको, जो कि इन दोनों धोखाधड़ी के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए सावधानी आपके बहुत काम आएगी। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको कहता है चेक पर दस्तखत कर दीजिए, और आप उस वक्त पेन ढूंढने लगते हैं, और सामने वाला अपनी जेब से पेन निकालता है और कहता है लीजिए सर, इस पेन से कर दीजिए, बस समझ जाइए यही गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो चेक वो आपको, जो पेन वो आपको देने वाला है, बहुत संभव है उसकी स्याही उड़ जाए। हरदम ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, मगर सावधानी रक्षा करती है, इसलिए इस प्रिंसिपल को गांठ बांध कर रख लीजिए कि कभी भी चेक पे दस्तखत करने हैं अपने ही पेन से करना है, क्योंकि यदि सामने वाले का पेन ले लिया और उसकी इंटेंशन मिलाफाइड हुई, तो वो स्याही उड़ जाएगी, उसके बाद वो दूसरा अमाउंट उससे बढ़ लेगा। एक बात और, आप जब भी चेक दें, जिस नाम से चेक बनाए उसके आगे उसका बैंक अकाउंट नंबर भी लिखना है,
ताकि उसी बैंक के थ्रू वो प्रेजेंट हो, किसी दूसरे बैंक के थ्रू प्रेजेंट नहीं हो। होता क्या, मान लो आपने एक ब्लैंक चेक दे दिया और आपने ए को दिया, ए ने उसे बी को दे दिया और बी ने उस पर मनचाही रकम भर दी और चेक बाउंस हो गया, तो आप बेवजह एक लिटिगेशन में फंस जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, आप गुनाहगार नहीं हैं, उसके बावजूद भी एक बार आप गुनाहगार हो गए। अब ये सिद्ध करना आपको कोर्ट में है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, आप लड़ते ही है कोर्ट के अंदर, इसलिए बेहतर है सुरक्षा पहले कर ले अपनी, इस तरह का चेक कभी भी इश्यू नहीं करें। और भी टिप्स मैं आपको इस बारे में अगले वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।